हाय गाइस, आपका स्वागत है द न्यू ट्रिगल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज मैं आपको बताने वाली हूँ जबरदस्त अपकमिंग फोन्स के बारे में जो कि आएंगे हमारे जुलाई के महीने में। जुलाई मंथ मेरा बर्थडे मंथ होता है तो इस महीने में तो बढ़िया फोन आने बनते ही हैं। तो सबसे पहले लिस्ट में मैं आपको बताती हूँ उन फोन्स के बारे में जिनकी सेल स्टार्ट हो रही है। दो तीन फोन है हमारे जो कि लॉन्च हो चुके हैं, अब उनकी सेल स्टार्ट होगी 2 जुलाई को। लेकिन पहले ही बता दूं कि मैं इन फोन्स को नहीं खरीदूंगी, बहुत ही बेकार फोन है, मैंने तो बिल्कुल नहीं खरीदना। क्योंकि मैं जब खुद परचेस करके आपके लिए अनबॉक्सिंग करती हूँ तो बहुत लोगों को लगता है कि मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ तो उसका मतलब है मैं उसको प्रमोट कर रही हूँ। मेरा तो ये काम था कि अनबॉक्सिंग मैं आपके लिए कर दूं कि भाई खराब फोन है, आप लोग ना खरीदें। लेकिन अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं अपने पैसे इन पे खराब करूं और इनको खरीदूं। पहला फोन आता है हमारा कूलपैड कूल 3 प्लस। ये हमारा 6,500 रुपए के बजट में आएगा डिवाइस और इसके अंदर आपको वाटर ड्रॉपलेट डिजाइन मिल जाएगा। बाकी के जो 2 डिवाइसेज हैं वो हमारे LG के W सीरीज, जिसमें W10 और W30 आएगा। वो अगर आपको लेना हो तो आप तो ले सकते हैं, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है। मतलब 10,000 रुपए के बजट में LG ने ये फोन निकाला है जिसके अंदर हमें हीलियस P22 का प्रोसेसर दिया है, साथ में HD डिस्प्ले दिया है। मैं नहीं लेना चाहती इस डिवाइस को, आपको लेना हो तो ले लेना। इसकी सेल स्टार्ट हमारी 2 जुलाई से हो गई है। मतलब इस बजट के अंदर 10,000 रुपए के बजट में हमें स्नैपड्रैगन 660 मिलता है, जो कि अभी थोड़े टाइम में वो भी पुराना हो जाएगा और नए प्रोसेसर आ जाएंगे, तो उस हिसाब से LG को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और आपको बताती हूँ मैं कि हमारे कौन से डिवाइसेज हैं जो कि लॉन्च होने वाले हैं। तो सबसे पहले 3 जुलाई को लॉन्च होगा वीवो की तरफ से वीवो Z1 Pro, जो कि काफ़ी बढ़िया स्पेक्स वाला डिवाइस है। मतलब बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं डिवाइस के अंदर और पबजी खेलने वालों के लिए तो अलग से स्पेशल फीचर्स आ रहे हैं। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है कि उसमें पबजी हिडन फीचर्स आपको क्या क्या मिल रहे हैं, देखना चाहे तो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और साथ में डिवाइस के अंदर आपको बड़ी बैटरी भी मिल रही है, 712 का प्रोसेसर मिल रहा है और उसके साथ कैमरास भी बहुत भी बढ़िया मिल रहे हैं, फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर मिल रहा है। एक टीजर वीडियो भी बनाया था मैंने इसकी अनबॉक्सिंग का और साथ ही मैंने इसकी काफ़ी सारी टेस्टिंग भी कर दी है, तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अनबॉक्सिंग वीडियो आपको इस चैनल पर ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 4 जुलाई को हमारा रेडमी की तरफ से रेडमी 7A। इसका ज़्यादा पता नहीं था कब लॉन्च हो रहा है, लेकिन फ्लिपकार्ट पे इसका टीज़र आ गया है जिसमें हमें पता चल गया है कि 4 जुलाई को ये डिवाइस हमारा लॉन्च हो रहा है। इस डिवाइस के अंदर आपको बड़ी बैटरी मिलेगी, हालांकि पीछे बैक साइड में सिंगल कैमरा है और बजट सेगमेंट का डिवाइस है हमारा। मतलब 6,000 रुपये के बजट में अगर रखें तो ठीक रहेगा, अगर उससे ऊपर रखते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि HD+ डिस्प्ले है 18:9 की स्क्रीन रेशियो के साथ, साथ में 4000mAh की बैटरी है और देखते हैं क्या क्या निकलता है इसके अंदर। 4 तारीख को ये हमारा डिवाइस लॉन्च हो जाएगा। अब इसके बाद बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं नोकिया के बारे में कि नोकिया का 9 प्योर व्यू जो है वो कब आएगा। प्लीज़ मुझसे आप क्वेश्चन मत पूछो क्योंकि मैं खुद परेशान हो गई हूँ, उसका पता ही नहीं चल रहा है। मतलब 2-3 महीने से तो हम ही लिस्ट में डाल रहे हैं, सारे यूट्यूबर्स डाल रहे हैं कि आने वाला है आने वाला है, नोकिया का मन ही नहीं है निकालने का, तो क्या कर सकते हैं। उल्टा बेकार बेकार से बाकी के फ़ोन निकाली जा रहे हैं, नोकिया 4.2, 3.2, 2.2, मतलब इतने सारे फ़ोन निकाल दिए और वो इतने बेकार है। मैंने उनकी अनबॉक्सिंग करी थी आपके कहने पर, तो वो फ़ोन तो मुझे बढ़िया नहीं लगे थे। और नोकिया 9 जो है हमारा, उसका आप मेरे को लगता है वेट करना छोड़ दो, मेरे को लगता नहीं नोकिया का मन है। हो सकता है कल ही निकाल दे, कल ही लॉन्च कर दे, और नहीं करना हो तो नहीं करेगा। इतने टाइम से वेट कर रही है इंडियन मार्केट, नोकिया को समझना चाहिए था कि लॉन्च कर दो भाई, इतना क्यों वेट करा रहे हो। उल्टा बंदे का मन खत्म हो जाता है उस फ़ोन का इंतज़ार कर करके। तो चलो नोकिया 9 के बारे में, प्योर व्यू के बारे में मुझसे बिल्कुल क्वेश्चन ना पूछे क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि कब आएगा, आएगा या नहीं आएगा ये भी नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा Realme X, जिसका और लोग वेट कर रहे हैं। काफ़ी बढ़िया डिवाइस लग रहा है Realme की तरफ से, जिसके अंदर स्पेक्स भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया है। इसके अंदर हमें Snapdragon 730 का प्रोसेसर मिल सकता है, साथ में अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले, पॉपअप कैमरा, बिग बैटरी, फास्ट चार्जर, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त डिवाइस साउंड कर रहा है हमारा Realme की तरफ से। और ये डिवाइस आपका 15 से 18 जुलाई के बीच में लॉन्च हो सकता है। इसका प्राइस होगा लगभग 18,000 रुपये के आसपास, तो मतलब आपके लिए काफ़ी बढ़िया एक ऑप्शन लेकर आ रहा है Realme। और साथ ही अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको एक एडिशन भी और मिलेगा, मतलब एक स्पाइडरमैन एडिशन मिलेगा, उसका तो मैं वेट कर रही हूँ। देखते हैं कैसा आता है डिवाइस और एक्चुअल में परफॉर्मेंस वाइज कैसा रहेगा। अनबॉक्सिंग आपको इस चैनल पर ज़रूर मिलेगी, साथ ही टेस्टिंग भी सारी मिलेगी हर डिवाइस की, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है Realme के साथ ही Redmi K20 Pro।
जिसका कि काफ़ी सारे रेडमी के फैंस बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। और ये डिवाइस भी हमारा स्पेक्स से भरा हुआ है। इनके अंदर अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो K20 के अंदर 730 का प्रोसेसर है, K20 Pro के अंदर 855 का प्रोसेसर मिलेगा, फ्लैगशिप प्रोसेसर। उसके साथ अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले, पॉपअप कैमरा, बड़ी बैटरी, ये सब भी देखने को मिलेगा। साथ में 48 वाला कैमरा भी मिलेगा बैक साइड में। तो ये डिवाइस भी हमारा 15 से 18 जुलाई के बीच में लॉन्च हो सकता है। मतलब देखा जाए तो यार ये दोनों डिवाइसेस, Redmi भी Realme भी, दोनों मेरे बर्थडे पे ही लॉन्च हो जाएंगे। मतलब मेरा बर्थडे तो गया, अब तो मुझे काफ़ी काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा सैमसंग की तरफ से पहला रोटेटिंग कैमरे वाला डिवाइस, जो कि है सैमसंग A80। इसने पहले जून में लॉन्च होना था लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया, अब जुलाई में लॉन्च होगा ये डिवाइस हमारा। इसके अंदर सैमसंग ने रोटेटिंग कैमरा तो देना है, पहला सैमसंग का डिवाइस होगा ये, तो देखने में डिवाइस स्टाइलिश लगेगा यूज करने में। साथ में 730 का प्रोसेसर मिलेगा, और जैसे A70 के अंदर 25 वॉट का हमें फास्ट चार्जर मिला था, तो हो सकता है इसमें 25 तो मिलेगा ही, मतलब हो सकता है कि शायद थोड़ा ज़्यादा बड़ा वाला आपको फास्ट चार्जर मिल जाए। अब देखते हैं, ये डिवाइस भी हमारा इसी महीने लॉन्च हो जाएगा। अब जैसे कि Huawei और Honor का बैन हट गया है, तो अब हमारा एक Honor का डिवाइस है Honor 20 Pro। Honor 20 और 20i जो था वो तो हमारे पहले ही आ गए थे, लेकिन अभी P20 Pro आपको इसी महीने अवेलेबल हो सकता है। सो गाइस, ये थे हमारे कुछ बढ़िया बढ़िया फोन्स जो कि इस महीने आएंगे जुलाई के धमाकेदार महीने में। अब बढ़िया फोन्स आ रहे हैं तो बढ़िया वीडियोस भी आएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।